तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट हो चुका है और बस उसे डिफ़ॉल्टर घोषित करना बाकी है। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ का कहना है। पाकिस्तान में इस समय जो आर्थिक हालात बने हैं वैसे आर्थिक हालात इतिहास में पहले कभी नहीं बने थे। स्थिति तो इतनी बुरी हो चुकी है कि पाकिस्तान की राजधानी में 12-12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। आटा, दूध, सब्जी, चिकन, इन सब के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि वहाँ के मिडिल क्लास फैमिली को इन्हें परचेज करना यह काफ़ी मुश्किल हो गया है। हमने सोशल मीडिया पर कई वीडियोज भी देखे हैं जहाँ पर लोगों ने रोते हुए अपने वीडियो को शेयर किया है और वो खुद को कोस रहे हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। इस वक्त जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिधर जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिए में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ पे पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। जबकि कुछ समय पहले वही लोग इस बात पे गर्व करते थे कि वह पाकिस्तान के निवासी हैं और लगातार भारत को धमकियां देते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि आज वही लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय भूखों पेट सोने को मजबूर है। आर्मी अफसरों की तरफ से रक्षा मंत्रालय को लगातार इमरजेंसी कॉल की जा रही है, लेकिन आलम तो यह हो गया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से उन्हें जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वह यह है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसा अपनी सेना के ऊपर ही खर्च करता है। वह अपनी जीडीपी का 18% केवल सेना के ऊपर खर्च करता है, वो भी इसलिए ताकि भारत के सामने पाकिस्तानी आर्मी किसी भी दशा में कमजोर न साबित हो। इसमें भी एक हैरानी वाली बात तो यह है, पाकिस्तान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है यह तो समझ में आता है, लेकिन यह चीजें तब काम करती जब पाकिस्तान अपनी कमाई को रक्षा बजट में लगाता। बल्कि आलम तो यह है कि पाकिस्तान को दुनिया से जो कर्जा मिलता है वह उस कर्ज के पैसे से हथियार खरीदता है। हथियार खरीदने के बजाय अगर उन पैसों को देश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में लगाया जाता तो शायद पाकिस्तान आज इस हालत में न होता। पाकिस्तान के भूखे प्यासी आम जनता को देखकर अब भारत के लोगों का भी दिल पसीजने लगा है। हमारे देश में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। बहुत लोगों का कहना है कि RSS हमेशा हिंदूवादी बात करता है और वह नहीं चाहता कि इस देश और इस दुनिया में मुस्लिम रहे, लेकिन यहाँ पर RSS ने कुछ ऐसा किया है जिसे जानने के बाद जो भी लोग यह बोलते थे कि RSS मुस्लिम विरोधी है उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। दरअसल पाकिस्तान के इतने बुरे हालात को देखकर RSS का भी कहना है कि अब सरकार को पाकिस्तान का मदद कर देना चाहिए और मदद के तौर पर पाकिस्तान को गेहूँ या फिर आटे की सप्लाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान आज हमसे भले ही अलग हो गया, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा था और देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों के रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा होगा। भारत वैसे भी किसी देश का अहित नहीं चाहता, भले ही वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, और इसीलिए अगर पाकिस्तान भारत से मदद नहीं भी मांग रहा है तो भी भारत को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान की मुसीबत की इस घड़ी में उसे कुछ न कुछ मदद जरूर देनी चाहिए। अब दोस्तों RSS के बात से आप सहमत है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन 5 दिनों पहले हमारे देश के विदेश मंत्री S. जयशंकर एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सरकार चाहे तो पाकिस्तान की मदद कर सकती है, लेकिन हमारे देश के लोग ये किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान का मदद करे। विदेश मंत्री ने तो यह तक कहा था कि अपने इस हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, अगर आप आतंकवादियों के रूप में सांप पालेंगे तो फिर इस तरह के दिन तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन अंत में विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर भारत के लोग चाहेंगे कि हम पाकिस्तान की मदद करें तो हमारी सरकार पाकिस्तान की मदद जरूर करेगी, क्योंकि हम कभी भी अपने देश की जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो एक भारतीय होने के नाते मैं यही कहूंगा कि हमें इसमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। और रही बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद को वहाँ के लोग नहीं बल्कि वहाँ की सरकार प्रमोट करती है। अगर हम कुछ लोगों को छोड़ दें तो वहाँ की जनता भी ठीक वैसी है जैसे कि हम हैं। मैं मदद देने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अब धराशायी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की लास्ट उम्मीद
IMF से थी, लेकिन IMF ने भी अब पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस समय पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो और वह कहता हो कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। और अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, पाकिस्तान के लाखों लोग भूख प्यास से मर जाएंगे, जो कि मानवता के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है। भले ही पाकिस्तान हमारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वहां के लोगों में भी वही जान है जो जान हमारे अंदर है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि देश चाहे जो भी हो, उसमें कुछ लोग ही बुरे होते हैं और जिनके वजह से पूरे देश की बदनामी होती है। तो ठीक वैसा ही कंडीशन पाकिस्तान में भी है। तो फिलहाल हम तो सरकार से यही कहते हैं कि पाकिस्तान को पैसा भले न दे, खाने पीने की चीज़ें दे दिया जाए ताकि पाकिस्तानी लोग भूखों न मरे। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।